वेलकम टू न्यूज सीरीज ऑफ सिंग ऑटो जोन। इस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स न्यूज एंड अपडेट। बिल्कुल दोस्तों, ये सीरीज मुझे समटाइम इसलिए बनानी पड़ती है कि कई बार कोई अपडेट इतने छोटे होते हैं कि उस पर एक वीडियो नहीं बन पाते, ऐसे में तीन चार अपडेट मिलाकर एक सिंगल वीडियो बना लेता हूं। बिल्कुल अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, जीरो मिशन में आप बिलीव करते हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो आपके लिए। बन रही वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ जो पहला अपडेट निकल कर आया वो है टेस्ला से। बेसिकली एक बैड न्यूज़ है टेस्ला के लिए। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो कि पिछले कुछ दिनों में सिर्फ एक सिंगल डे में टेस्ला को तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। उनका जो शेयर वैल्यू थी तकरीबन सीधा सीधा एक सिंगल डे में 11% के आसपास डाउन हो गई है ये। और इस डाउन के बाद जो हम अगर एलोन मस्क की बात करें तो उसकी जो टोटल नेट वर्थ थी वो कम होकर 22 बिलियन रह गई है, पहले काफ़ी ज़्यादा थी। इससे डाउनफॉल का सबसे बड़ा जो रीजन ये था कि जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर वन 2019 के, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, इनका जो सेल फिगर था वो काफी डाउन रहा है। जहां इस क्वार्टर में जहां सिर्फ और सिर्फ 63,000 इलेक्ट्रिकल कार ही टेस्ला सेल कर पाई है, वहीं पिछले साल 2018 में क्वार्टर वन में 90,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कार सेल की थी, जिस वजह से बिल्कुल काफी इस डाउनफॉल यही वजह रही थी कि इनका शेयर एकदम से बिल्कुल वो रिपोर्ट आने के इमीडिएट बाद नेक्स्ट डे इतना ज्यादा इनका शेयर डाउन हुआ है। दोस्तों इसके बाद जो सेकंड अपडेट निकल कर आया है वो है बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मैं कहूंगा इंडिया के लिए एक गुड न्यूज है। जहां वो टेस्ला की बैड न्यूज थी, ये एक इंडिया के लिए गुड न्यूज है और ये सीधी आई है टाटा मोटर्स की तरफ से। जो टाटा का सेटअप है टाटा केमिकल्स लिमिटेड, उसने एक एमयू साइन किया है CSIR जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसर्च लेबोरेटरी है। बिल्कुल CSIR के पास ऑलरेडी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी है। उसने पहले भी एक कंपनी राशि सोलर उसके साथ शेयर करके तमिलनाडु में एक प्लांट सेटअप किया है, वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है लिथियम आयन बैटरीज की। तो बिल्कुल सेकंड एमयू या टाइप कह सकते हैं CSIR का टाटा केमिकल्स लिमिटेड के साथ हुआ है। इस एमयू के बाद दोनों मिलकर बिल्कुल हाई डेंसिटी लिथियम आयन बैटरीज डिफरेंट साइज की बनाएंगी और इसके अलावा बिल्कुल काफी ज्यादा प्रोडक्शन को तेज किया जाएगा। उनका जो कैथोड मटेरियल है, जो लिथियम आयन साइकिल के लिए स्पेशली जो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कैथोड, उसका जो मटेरियल है उस पर भी R&D करके उसको भी और ज्यादा बेहतरीन सस्ता कुछ नया विकल्प निकालकर उस पर भी काम चलेगा, वो एक अलग R&D अलग चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों काफी टाइम से मैं भी इस अपडेट की इंतजार कर रहा था, क्योंकि जहां मारुति सुजुकी टोशिबा डेंसो तीनों मिलकर ऑलरेडी गुजरात में प्लांट काम चल रहा है, 2020 में उसकी बैटरीज भी आ जाएगी। सेकंड टाइप था महिंद्रा का LG चैम्प के साथ, वो भी महाराष्ट्र में सेटअप लगा रहे हैं 2020 में, उनकी भी प्लानिंग है चेंज करने लिथियम आयन बैटरीज प्लान सेटअप करने की। वहीं जो तीसरा है, मैं काफी टाइम सोच रहा कि टाटा किसके साथ टाइप करेगा, तो बिल्कुल टाटा ने भी बिल्कुल सही कंपनी को चूज किया है। एक ऑलरेडी रिसर्च लेबोरेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो बिल्कुल काफी इनके पास ऑलरेडी इस की टेक्नोलॉजी है और ज्यादा इसको R&D करके और ज्यादा इस टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके टाटा बिल्कुल मेड इन इंडिया बैटरी जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों अगर थोड़ा सा अगर आप रुक जाओगे 2020 मिड तक, तो आप 5-6 गाड़ियां आपके पास ऐसी ऑप्शन होगी बिल्कुल जो लिथियम हाई डेंसिटी लिथियम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा, कम से कम 20-25% आपका प्राइस बचेगा दोस्तों अगर आप थोड़ा सा इंतजार करते हो 2020 तक, जब तक ये मेड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरीज मार्केट में आ जाएगी। इसको जो तीसरा और अपडेट इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट ही कह सकता हूं इसको मैं, जैसे आप सबने जो भी सुना होगा ओला उबर कैब एग्रीगेटर है, ऐप बेस्ड रहता है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल बस एग्रीगेटर है, यहां पर दो है जिप गो एंड दिल्ली, ये एक बेंगलुरु बेस्ड है, वहीं एक दिल्ली NCR बेस्ड शटल, दोनों ही ऐप बेस्ड है। ये आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल बस जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअली, या कॉरपोरेट को भी ये सर्विस मिल सकती है, या आप सिर्फ जनरली जैसे शटल है वो स्पेशली भी ज्यादा फोकस कर रही है, जो ऑफिस के लिए बस सर्विस होती है वो पिक एंड ड्रॉप, बिल्कुल आपने सिंपल अपना चूज करना है डेस्टिनेशन अराइवल एंड तो वहां पर पिक करके आपके ऑफिस तक छोड़ जाएगी बिल्कुल, और ये सारा इलेक्ट्रिकल रहेगा, सारी बसेस इलेक्ट्रिकल है। इसके लिए काफी अगर मैं बात करूं यहाँ जिप गो की, इस पर इसको भी काफी ज्यादा 2016 में 6 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसमें से हाल में ही 300 करोड़ तो तकरीबन जो SL का ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रा है उसने इसमें इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली NCR बेस्ड शटल की, तो इसमें इसमें भी तकरीबन 11 मिलियन डॉलर अमेजोन ने इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल उनको विश्वास है तभी उनके इस कंसेप्ट पर विश्वास है तभी इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है दोस्तों। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनर बेस्ड शटल की, तो बिल्कुल जैसे दिल्ली NCR के आसपास, दिल्ली मुंबई पुणे हैदराबाद इन सब रूट्स पे 7 सिटीज है,
तकरीबन 800 इलेक्ट्रिकल बसेज ऐड की जाएंगी और 150 रूट पर इनकी इलेक्ट्रिकल बसेज चलेंगी, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार कहता हूँ जो स्पेशली जो बड़े वाले व्हीकल हैं स्पेशल इलेक्ट्रिकल बसेज, अगर इन पर इनको आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, बजाय कि हम इलेक्ट्रिकल स्कूटर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर ऐड करेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल बसेज बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है इनके मुकाबले में, तो बिल्कुल अगर हम इनको काबू कर लेते हैं जल्दी से, तो बिल्कुल मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि बिल्कुल आने वाले कुछ 3-4-5 साल में जो पोल्यूशन का जो फर्क है साफ दिखाई देगा, पोल्यूशनिंग में कमी साफ दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।